नमस्कार, मैं चित्रकार रामू रामदेव आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और भारतीय पारंपरिक चित्रकला के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पिछले 4-5 साल से मैं अमेरिका और लंदन दोनों में विजिट कर रहा हूं और पारंपरिक चित्रकला इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज यहाँ कर रहा हूँ दोनों जगह। वहाँ पर अमेरिका में और यहाँ लंदन में मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आए जो कि इंडियन मिनिएचर पेंटिंग को बारीकी से सीखना चाहते हैं। चूँकि मेरे पास भी पूर्ण समय नहीं है और उन विद्यार्थियों के पास भी इतना समय नहीं है कि भारत आकर के भारतीय पारंपरिक चित्रकला को सीख सकें, तो इन दोनों को सामंजस्य बैठाते हुए मैं उन कला विद्यार्थियों को जो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भारत नहीं आ पा रहे हैं या मेरे वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं एक सीक्रेट ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग नाम से ये एक आप लोगों की सेवा में एक कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि ये एजुकेशनल फ्री ऑफ चार्ज आप तक ये मेरा प्रोग्राम पहुँचेगा। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण आत्मविश्वास है कि आप लोग मेरे इस प्रोग्राम को देखने के बाद में भारतीय पारंपरिक चित्रकला क्या है उनके बारे में आप समझ सकेंगे, उनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। चूँकि मैं एक चित्रकार और चित्रकार होने के नाते मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो भारतीय पारंपरिक चित्रकला के हैं। कोशिश में ये करूंगा कि आपको मैं ये बताऊं कि ब्रश कैसे चलाई जाए, ये जो पत्थर हैं इन पत्थरों से रंगों का कलर कैसे बने, किस तरह से इनको ग्राइंड करें, किस तरह से इनको फिल्टर करें, कितना इसमें गोंद मिलाएं और किस तरह से ओल्ड हैंडमेड पेपर को चिपका करके वसली बनाई जाए, इस तरह से रंग कैसे बनेगा, ब्रश कैसे बनेगी, वसली कैसे बनेगी और जो गोल्ड लीफ है या आप जो गोल्ड लीफ देख रहे हैं इस गोल्ड लीफ से गोल्डिंग कैसे बनेगा, इस तरह से मैं बारीक से बारीक हमारे जो मिनिएचर पेंटिंग के जो सीक्रेट हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। चूँकि ये कला एक तरह से डाइंग आर्ट के अंदर आ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जो इस कला को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन कला विद्यार्थियों को, उन जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं हूँ, आप हैं, जब तक ये कला मर नहीं सकती, आगे से आगे ये कला बढ़ती रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ मैं पहला मेरा जो चरण है वो मैं आपको ब्रश कैसे बनती है, ब्रश की खास चीज़ क्या है, ब्रश पावरफुल है या नहीं है, कौन सी स्टाइल की जो लाइनिंग ब्रश है वो सबसे श्रेष्ठ होती है और ब्रश को चलाने का तरीका क्या है, ये सब मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। नमस्कार।